नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय रेलवे द्वारा तकरीबन भारत के अंदर 50 बड़े रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हावड़ा जैसे रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है, जिनका पूरा का पूरा नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ इनको एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से मुहैया कराया जाएगा। तो दोस्तों सवाल खड़े हुए कि क्या छोटे रेलवे स्टेशन को भी इन काबिल बनाया जाए, ताकि वहां पे अच्छी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। तो इसी पे एक छोटा सा फैसला आया है कि जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं गाँव में गए, शहरों में हो गए, जो काफी छोटे रेलवे स्टेशन हैं, तो उनमें भी अच्छी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाएंगी। दोस्तों जानेंगे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन में क्या क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रेलवे की तरफ से ये कहना है लॉकडाउन के बाद जो है छोटे रेलवे स्टेशन पे जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा, और इन सब का जो नजरिया है यानी कि देखने वाला लुक, ये काफी हद तक जो है वो बदल दिया जाएगा। यहाँ पे जो है बहुत हाई फाई सुविधाएं नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन जिन चीजों की जरूरत होती है रेलवे स्टेशन पे वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको मुहैया कराई जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों तकरीबन अभी 6 स्टेशन का जो है स्पेशली नाम लिया गया है, और आने वाले समय में और ज्यादा रेलवे स्टेशन को जो है वो शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो जानकारी है, जानकारी के मुताबिक भागलपुर के कुछ रेलवे स्टेशन का जो है नाम लिया गया है। इसमें हाट पुरौनी, मंदर रहिल, हंसडीढ़ा, नाथनगर, कल्याणपुर और अकबर नगर रेलवे स्टेशन का जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। आने वाले समय में कई राज्यों के कई छोटे छोटे रेलवे स्टेशन को जो है वो डेवलप किया जाएगा। छोटे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर LED वेपर लाइट लगाने की योजना बनाई जा रही है। इससे न सिर्फ रेलवे को बिजली की बचत होगी, बल्कि प्लेटफॉर्म पर बेहतर रोशनी भी मिलेगी। अभी छोटे रेलवे स्टेशन पर लाइटिंग की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। कई स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पूरी तरह से लाइट ही नहीं है, साथ ही साथ बैठने की बेहतर व्यवस्था नहीं है, और छोटे रेलवे स्टेशन में धूप और बारिश में लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। तो इन सब चीजों में जो है सुधार किया जाएगा। दोस्तों रेलवे का कहना है कि इन रेलवे स्टेशन पे जो है 24 घंटे बिजली जो है मुहैया कराई जाएगी। भागलपुर के किलो के बीच विद्युतीकरण का काम हो गया है, इसके कारण रेलवे स्टेशन की रोशनी की व्यवस्था बेहतर हो रही है। धीरे धीरे रेल विद्युतीकरण तार के प्लेटफॉर्म पर लगे लाइट को जोड़ा जाएगा, इस कारण रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। दोस्तों बात करें रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की, तो रेलवे स्टेशन पर लाइटिंग, यात्री बेंच, फुट ओवर ब्रिज, पेयजल सहित अन्य जितनी भी सुविधाएं की जरूरत पड़ती है वो सारी सुविधाएं यहां पे मुहैया कराई जाएंगी रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों ये एक भारतीय रेलवे की अच्छी पहल है कि भारतीय रेलवे ने छोटे रेलवे स्टेशन को भी ध्यान दिया और उनका भी जो है डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे छोटे रेलवे स्टेशन पे जो लोगों को असुविधाएं होती थी वो नहीं होंगी। तो दोस्तों एक भारतीय रेलवे की अच्छी पहल है, देखते हैं भविष्य में भारतीय रेलवे पर क्या क्या एक्शन लेती है। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में जानेंगे और भी जानकारी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।